फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू जो कि 18 मई बेडनेसडे के लिए क्या रहने वाला है कल कहाँ पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में एंट्री पोजीशन बनाना चाहिए और स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेंगे उससे पहले देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का क्लोजिंग क्या रहा जैसा कि निफ्टी फिफ्टी में यहाँ पे 400 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला है वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 700 पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोज हुआ है आज फ्रेंड्स बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि निफ्टी एक सपोर्ट जोन में ट्रेड कर रहा है और यहाँ से मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो आज बहुत बढ़िया मूवमेंट जिन लोगों ने आज सुबह मॉर्निंग में ही ट्रेड बनाया होगा जो प्रीवियस वीडियो फॉलो किए होंगे आई होप उन लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा तो कल के लिए कौन कौन से यहाँ पे एंट्री पोजीशन होने वाले हैं तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में और चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप देखोगे फ्राइडे यहाँ पे मैंने बताया था एक निफ्टी का सपोर्ट जोन है यहाँ पे मंडे के लिए भी मैंने आपको सपोर्ट जोन के लिए बात किया था उसके बाद जो कल का वीडियो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे निफ्टी अगर पंद्रह हजार नौ सौ पच्चीस तीस का लेवल ब्रेकआउट करता है तो आपको एंट्री पोजीशन बनाना है तो यहाँ पे एंट्री पोजीशन बना है यहाँ पर सोलह हज़ार सौ का लेवल अगर ब्रेकआउट करता है तो भी एंट्री पोजीशन बनाना है तो यहाँ पे आपने देखा होगा निफ्टी में वापस से ब्रेकआउट हुआ और अच्छा खासा मोवमेंट देखने को मिला तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे सोलह हजार दो सौ के आसपास था तो इस लेवल को भी ये ब्रेकआउट कर चुका है तो यहाँ पे जितने भी रजिस्टेंस जोन थे एक तरह से ब्रेकआउट करने के बाद जितने रजिस्टेंस जोन थे हमारे सपोर्ट जोन बन चुके हैं तो यहीं पर अगर हम बात कर लें कल निप्टी के लिए सपोर्ट जोन निकल के क्या आने वाला है तो इस वीक के लिए फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पर आप देखोगे तो प्रीवियस यहाँ पर था एक तरह से रजिस्टेंस जोन यहाँ पे रजिस्टेंस जोन था तो यहाँ पे जो हॉल्ट हुआ थोड़ा सा मतलब ये लेवल निकल के आ रहा है 16,100 का लेवल इस वीक के लिए 16,100 का लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट जोन का काम करेगा जैसा कि कल वेडनेसडे एंड थर्सडे दोनों दिन के लिए वहीं पर अगर मैं कल इंटर के लिए बात कर लूँ तो इंटर के लिए जो आज का रजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है यहाँ पर ये सोलह का लेवल ये हमारा कल इंटर के लिए एक तरह से सपोर्ट जोन का काम करेगा और यहीं पे निपटी देखा जाए तो सोलह के आसपास जो चार्ट में दिख रहा है इसकी यहाँ पे लेवल्स हैं तो यहाँ पे अगर निपटी कल ओपनिंग होता है इसी लेवल के आसपास मतलब 16200 के ऊपर और 16,282 के बीच में इधर कहीं पे ओपनिंग हो जाता है तो आपको यहाँ पे जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करें मतलब सोलह हजार का लेवल ब्रेकआउट करता है तो आपको यहाँ पे सीई में एंट्री बनाना है मतलब कॉल साइड के लिए एंट्री बनेगा जो कि ऑलमोस्ट टारगेट यहाँ पे 16,400 के आसपास होना चाहिए तो फ्रेंड्स एक तरह से अगर मैं बात कर लूँ आज निफ्टी में 400 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट हो चुका है तो अगर आप कल सोचेंगे कि मार्केट में मूवमेंट भी इसी हिसाब से हो तो मार्केट में इतना मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी आज बहुत बड़ा मूवमेंट हो चुका है तो कल मार्केट हो सकता है कि यहाँ से सोलह के लेवल से लेके आज का जो लेवल था सोलह इसके बीच में ही एक तरह से ट्रेड करता रहे कि इस लेवल को ऊपर जाए ऊपर से रिएक्ट करने के बाद नीचे आ जाए नीचे से ऊपर तो ये हो सकता है अगर कल मॉर्निंग में ही ब्रेकआउट दे देता है इस लेवल को सोलह हजार का लेवल तभी आपको यहाँ पे एंट्री पोजीशन बनाना है कॉल साइड में अगर इसके ऊपर ही गैप अप ओपनिंग हो जाती है अगर ज़्यादा ही हो जाता है मतलब सोलह हजार तीन सौ पच्चीस तीस चालीस के आसपास तो एंट्री लेने से अवॉइड करें क्योंकि हमारा टारगेट ऑलरेडी वहाँ तक पहुँच चुका होगा तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनेगा क्योंकि हमारा जो रिस्क है वो ज़्यादा होगा और रिवार्ड कम मिलेगा तो यहाँ पर एंट्री पोजिशन अवॉइड करना है अगर मान के चलिए अगर यहाँ पे 16,200 के नीचे ही कहीं एंट्री होता है मतलब गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ पे आपको पुट में भी एंट्री नहीं बनाना है और कॉल में भी एंट्री नहीं बनाना है वेट करना है जब तक कि ये सोलह एक का लेवल ना आ जाए अगर इस लेवल के आसपास आ जाता है इधर कहीं पे और यहाँ से रिवर्स होता है बाउंस होता है अप साइड में तो 16100 का यहाँ पे एस लेके आप कॉल में एंट्री कर सकते हैं वापस से अप ट्रेंड के लिए आप बाय करके चल सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए दो लेवल हैं या तो ब्रेकआउट कर दे सोलह हज़ार दो सौ बयासी पचासी का लेवल तो ही एंट्री बनाए या डाउन साइड में खुले और डाउन साइड में खुलने के बाद नीचे से जब ऊपर ले तो जो कल का लो बनेगा उसको स्टॉप लॉस लेके आप जो है एंट्री पोजीशन बना सकते हैं ये हो गया हमारा निफ्टी फिफ्टी के लिए व्यू वहीं पर अगर हम बात करें बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि बैंक निफ्टी जो है एक हज़ार पॉइंट के बीच में फंसा हुआ है अगर यहाँ पे तैंतीस हज़ार का लेवल ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करता है तो या चौतीस हज़ार का लेवल ब्रेकआउट करता है तो आपको एंट्री पोजीशन बनाना है और इंटरडे के लिए वही मैं बात करूँ तो इंटरडे में मैंने आपको बताया था कि जब ये तैंतीस का लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो आप एंट्री पोजिशन बना सकते हैं तो आज आपने देखा होगा तैंतीस हजार आठ सौ का लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट कर गया है उसके बाद चौंतीस हज़ार का भी लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट कर गया मतलब दोनों में एंट्री पोजीशन बना है और दोनों में हमारे टारगेट अचीव हुए हैं तो कल के डेट में यहाँ पे देखें एक तरह से मार्केट जो है प्रीवियस यहाँ पे एक रजिस्ट्रेंस जोन बना हुआ था चौंतीस हजार का लेवल जो कि मैंने बताया था कि ब्रेकआउट करे तो ही आपको एंट्री करना है तो यहाँ पे एक दो तीन उसके बाद यहाँ पे जो आज बना ये कौन सा डेट हुआ ये चौंतीस हजार का लेवल तो चौंतीस हजार से लेके चौंतीस हजार सौ ये हमारा एक तरह से सपोर्ट जोन का काम करेगा मतलब कल के लिए इंट्राडे के लिए हमारा एक सपोर्ट जोन बना हुआ है इसे हम सपोर्ट जोन की तरह मान सकते हैं वहीं पे अगर बात करें चौंतीस हज़ार तीन सौ छियालीस ये हमारा आज का जो हाई है चौंतीस हजार तीन सौ पचास के आसपास इस हाई को जब तक ये ब्रेकआउट ना करे मतलब इधर कहीं ओपनिंग होने के बाद अगर इसे ब्रेकआउट करता है तब आपको यहाँ पर एंट्री पोजिशन बनाना है और आलमोस्ट यहाँ से ढाई से तीन पॉइंट का टारगेट आपका मिल सकता है जो कि यहाँ पर चौंतीस चौंतीस हजार सात सौ कुछ आ रहा है तो इस लेवल तक आप लेके चल सकते हैं वहीं पे अगर मान के चलिए अगर ओपनिंग इधर कहीं ऊपर होने के बाद नीचे आता है तो आपको चौंतीस हजार के लेवल तक वेट करना है डायरेक्टली पुट में एंट्री नहीं करना है चौंतीस हजार तक वेट करिए वेट करने के बाद अगर वापस से रिवर्सल होता है तो ये सेम चौतीस हजार का जो स्टॉप लॉस है ये फॉलो करते हुए आप वापस से कॉल में एंट्री पोजीशन बना सकते हैं तो फ्रेंड्स अभी मार्केट में जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है तो जितने भी यहाँ पे कॉल्स राइटर हैं कॉल राइटर भाग गए हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पे पुट में राइटिंग हुई है मतलब यहाँ पे पुट की राइटिंग सबसे ज़्यादा की गई है तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे पुट के फेवर में नहीं है ये मतलब पुट बाय करके चलें तो मार्केट में आज एक दिन में मूवमेंट हुआ है हो सकता है धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो एक ही दिन में बड़ा मूवमेंट ना आए तो आप जो है एक तरह से कॉल साइड फेवर करके चले तो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू पुट फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो